हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम आरती की थाली डेकोरेट करेंगे आसान तरीके से। यहाँ पे हम ये ग्लू लेंगे और ये प्लेट है, ये ग्रीन कलर है, ये ग्लिटर से रेड और गोल्डन अभी हम बनाते हैं। यहाँ पे हम ये कलर लेंगे और हमें ये प्लेट के ऊपर लगा लेना है इस तरह से इसको लगा के, ये देखिए इस तरह लगा के लेना है। यहाँ पे मैंने इसको सुखा लिया है, इसको हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। इसके ऊपर यहाँ पे ये मैं ग्लू लगा रही हूँ और ये देखिए यहाँ ऊपर में भी लगा लेंगे इसके बॉर्डर में इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए ऐसे बना लेना है। इसके ऊपर हमें ये गोल्डन ग्लिटर लगा लेना है। इस तरह से ऐसे ये बना के लेंगे। आपका कलर पूरी तरह से सूखना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल के इसको भी हमें पूरी तरह सुखा लेना है। यहाँ पे ये ग्लिटर निकाल के लेंगे और इसको पूरी तरह सुखा लेना है। अभी हम इसको यहाँ पे ये स्वस्तिक का डिजाइन बना लेंगे। देखिए ग्लू से हमें यहाँ पे स्वस्तिक बना लेना है इस तरह से। अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे शेप दे के लेंगे और यहाँ पे इसको स्पॉट लगा लेंगे इस तरह से। अभी इसके ऊपर हमें ये रेड ग्लिटर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको लगा लेंगे। अगर आपकी दूसरी वाली ग्लिटर जो है वो सूखी नहीं है तो ये ग्लिटर उस पर लग सकती है, इसलिए आप ये पहले वाले सुखा लीजिए। ये देखिए इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे इसके बॉर्डर में हम ये स्पॉट लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह। ऐसे के इसके ऊपर भी हमें रेड ग्लिटर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अभी इस तरह से ये लगा के ये ग्लिटर्स निकाल देंगे।
ये इस तरह हमारी आरती की थाली डेकोरेट हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से खूबसूरत। यहाँ पे हम ये प्लेट लेंगे और ये देखिए रेड कलर है, ये लेस है गोल्डन कलर की, और ये देखिए पैचेस है जो हम ब्लाउज में या साड़ी में लगाते हैं, ये फेवी बॉन्ड है। यहाँ पे ये प्लेट के ऊपर हम रेड कलर लगा लेंगे। आप चाहे तो उसके ऊपर, अगर आपका प्लेट प्लेन है तो आप उसके ऊपर ऐसे ही लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह कलर लगा लेना है। आपको इससे भी ज़्यादा आसानी के साथ आरती थाली डेकोरेट करनी है तो मेरी ये ऊपर में आए बटन में आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से इसको कलर करके सुखाना है। देखिए यहाँ पे हम इसको ग्लू लगा के लेंगे, ये फेविबॉन्ड लगाना है, और एक आधा मिनट या 1 मिनट रुक जाइए, उसके ऊपर ये लेस लगा लेना है। ये थोड़ी देर ऐसे ही रखने से ये जल्दी से उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। इस तरह से ये लगा के लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लेस यहाँ पे स्टिक करेंगे। इस तरह ये देखिए इस तरह बनेगी, इस तरह से। अभी हम यहाँ पे ये पैच लेके इसके ऊपर हमें यहाँ पे ये हेवी बॉन्ड लगा लेना है। यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह, ये देखिए आप चाहे तो ऐसे डिजाइन में भी ये स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे मैं ये यहाँ स्टिक करूँगी। ये दूसरा वाला लेके इसको भी इसके ऊपर स्टिक करना है, और ये इसके, ये देखिए इसके ऊपर की साइड में इसको लगा लेना है। ये दूसरी साइड में भी इसको ऐसे स्टिक करके लेंगे। इस तरह से ये आरती की थाली डेकोरेट हो गई है एकदम आसानी से, खूबसूरत आरती थाली डेकोरेशन, एकदम सिंपल और इजी। कैसा लग रहा है आपको?